Art School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कश्मीर घाटी के गांव बट्टल बाग पामपुर के मटर उगाने वाले जैविक खेती करने वाले किसानों की जिला प्रशासन श्रीनगर और पुलवामा ने सराहना की है। मटर की पैदावार पिछले साल की बनिस्पत इस साल कम थी, परंतु इस साल पैदावार के उच्च दाम हासिल हुए, जिससे किसान बहुत खुश है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया है, हर तरफ प्रशासन और पुलिस की तरफ से सख्ती है, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और कीमती जानें बचाई जा सके। परंतु फिर भी कुछ व्यवसायी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चाय जाय और महाता डिनर कैफे को सील कर दिया, जो सरेआम प्रशासन के कोविड नियमों का उल्लंघन करते मौके पर ही पकड़े गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान स्कूल भी बंद पड़े हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि दूरदराज के इलाकों के बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के राशन का क्या हुआ। इसी को देखते हुए जिला पुंछ के बेंच इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बच्चों को अप्रैल और मई महीने का ड्राई राशन बांटा जा रहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आए और इस स्कीम का लाभ उठाया। कोरोना को देखते हुए यहां पूरी एसओपी का सख्ती से पालन किया गया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर ने तमाम पार्षदों और कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर को तुरंत यहां से बदला जाए। वहीं मेयर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि करप्शन का जोर है और ये ऑफिसर्स इनकॉम्पिटेंट है, इन्हें यहां से फौरन बदल देना चाहिए। लोगों का काम बिना रिश्वत के नहीं हो पा रहे हैं, कामों को लटकाया जा रहा है। पंचायत लेवल पर बनाए कोविड 19 आइसोलेशन केंद्रों की तैयारी के साथ ही स्वास्थ्य औषधियां और ऑक्सीमीटर भी दी जा रही है। इस बात की जानकारी बीडीओ कुलदीप शर्मा ने दी और कहा कि अखनूर ब्लॉक की पंचायतों और अन्य आइसोलेशन केंद्र दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पंचायत सेक्रेटरी, आशा वर्कर, ग्राम सेवक सभी मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों के पास एक कमरा है, घर पर मरीज को रखने की सुविधा नहीं है, उन्हें ही आइसोलेशन केंद्रों में रखा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि बीएमओ यहां नोडल अधिकारी हैं और सभी केंद्रों के फोन नंबर्स की सूची यहां लगाई गई है। वीडियो ने लोगों से कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जम्मू में 18 साल से 44 वर्ष आयु वर्ग के हाई रिस्क और टारगेटेड ग्रुप को प्रशासन द्वारा बनाए गए विभिन्न केंद्रों में वैक्सीन दी जा रही है। इसी क्रम में टीआरसी डाक बंगला रेजिडेंसी रोड में एक वैक्सीनेशन केंद्र कायम किया गया है, जहां बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ पड़े। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां हालात खुद आप देख लीजिए। देखिए इन वीडियोस में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की लोग धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस का दायित्व नहीं बनता एक सिस्टम लागू किया जाए? यहाँ इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य वैक्सीन केंद्रों में कैसी व्यवस्था की गई होगी। जम्मू की सब्जी मंडी नरवाल में 5 जून से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा। मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह काला की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, कामकाज पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। सुरेंद्र काला ने बताया कि कोरोना के बीच मंडी में लोग जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, इन सभी की सुरक्षा के लिए मंडी को 2 दिन पूरी तरह बंद रखा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में चीन भारत के साथ गड़बड़ी कर सकता है। इंदौर स्थित अपने आवास में मीडिया से कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर बात करते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि चीन ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हराने में मदद कर हटाया, दूसरी ओर नजर अब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है।
वो चाहते हैं कि आगामी चुनाव में मोदी किसी भी सूरत में ना आए। विजय वर्गी ने कहा कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत इस संकट से जूझ रहा है। चीन ने पहले वायरस फैलाया और अब उसकी नजर सरकार गिराने पर है। कश्मीर घाटी के शहर शोपियां के सौंदर्यीकरण के तहत शोपियां को क्लॉक टावर यानी घंटा घर मिलेगा। शोपियां के गोल बाजार में गोल चक्कर का काम नगर परिषद शोपियां द्वारा शुरू कर दिया गया है और इसी स्थान पर क्लॉक टावर बनाया जाएगा। नगर परिषद शोपियां ने पिछले कुछ हफ्तों में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। कस्बे में लाइटें और लोगों के बैठने के लिए सिटिंग बेंचेस भी लगाए गए हैं। कश्मीर घाटी में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हाई रिस्क और टारगेटेड ग्रुप को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी को लेकर डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वैक्सीन ड्राइव को द लेक में लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना और उसे सुरक्षित करना है। वहीं डल लेक में मोटर बोट द्वारा ऐलान किया जा रहा है कि लोग कोरोना महामारी के एसओपी का सख्ती से पालन करें।